ये आपके अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे आप मेरे साथ और इंडिया के टॉप 40 एजुकेटर के साथ लाइव पढ़ सकते हैं, रोज पढ़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, डाउट सेशन, सब कुछ आपको मिलता है एक सिंगल प्लेटफॉर्म के अंदर। आपको बस अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है और इन सारे टीचर्स से आप पढ़ लोगे सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से। आप मेरे सुपर एंकर बैच में भी इनरोल हो जाओगे इस एक सब्सक्रिप्शन से। तो जब भी सब्सक्रिप्शन लें, 1 और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लें, रेफरल कोड आनंद यूज़ करें ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए और इस 10% के डिस्काउंट के साथ आपको मेरा स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। तो आपको मेरा स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा 30 मॉड्यूल्स पर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं। जब भी रेफरल कोड यूज़ करें मुझे इस नंबर पर मैसेज कर दें कि सर मैंने आपका रेफरल कोड यूज़ कर दिया है, मैं आपको ग्रुप पर ऐड कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी सब लोग आ जाओ। आज कहाँ चले गए सब लोग? जल्दी जल्दी सब लोग आ जाओ, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाँ जी, क्या मिला था इसको? एस एल मिलर क्रिएटेड डिस्चार्ज इन द क्लोज टैंक CH4H2NH3 और उसको अल्टीमेटली क्या फॉर्मेशन दिखा था? क्या फॉर्मेशन दिखा था? तो सबसे पहले जो मिलर चचा थे, ऑडियो नहीं आ रही क्या? ऑडियो नहीं आ रही क्या? ऑडियो नहीं आ रही क्या? आ रही है ना? ठीक है। सबसे पहले जो मिलर चचा थे, तो मिलर चचा ने क्या किया था? मिलर चचा ने आपका यहाँ पे अमाइनो एसिड्स मिला था, उनको कलेक्ट किया था 800 डिग्री सेल्सियस पे किया था ना, तो इनको अमाइनो एसिड्स मिला था। बिल्कुल सही, ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें कोई दुख और गुंजाइश की बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द नेचुरलिस्ट हु वर्क विथ मले आर्चिपिलागो इन मले आर्चिपिलागो एंड केम टू सिमिलर कंक्लूजन ऑफ डार्विन। डार्विन के साथ सिमिलर कंक्लूजन पे जो मले आर्चिपिलागो पे आए थे उनका नाम क्या था? क्या था बच्चों उनका नाम? क्या था नाम उनका? हाँ जी, अल्फ्रेड वॉलेस, है ना। ही केम टू सिमिलर कंक्लूजन एज दैट ऑफ डार्विन, जो था कि ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की मेन पॉस्टुलेट्स, राइट? टू की मेन पॉस्टुलेट्स। तो आंसर क्या हो गया? एल्फ्रेड वॉलेस। ह्यूगो डी ब्रायस आपके म्यूटेशन थ्योरी दिए थे, मेंडल चचा पापा ऑफ जेनेटिक्स हैं, ये तुम्हारा थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन दिए थे, जहां पे इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट इन्होंने बोला था, राइट? क्वेश्चन नंबर 3, वेल्स बैट्स चीता एंड ह्यूमन शेयर सिमिलैरिटी इन शो सिमिलैरिटी इन हाँ जी, किसमें? पैटर्न में दिखाया था सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी जो इसने शो किया था, दैट वॉज इन केस ऑफ तुम्हारा, ठीक है। तो वेल्स बैट चीता एंड ह्यूमंस शेयर्ड सिमिलैरिटी इन पैटर्न ऑफ देयर फोर लिम्स, है ना। फोर लिम्स, ये सारे होमोलोगस ऑर्गेन थे और ये सारे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते थे। ये सारे होमोलोगस ऑर्गेन थे और ये सारे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते थे। बिल्कुल सही। विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइल इज नॉट रिलेटेड टू, विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइल इज नॉट रिलेटेड टू ग्रुप डायनासोरस। विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइल्स इज नॉट रिलेटेड टू ग्रुप डायनासोरा। कौन सा तुम्हारा नहीं आएगा जो ग्रुप डायनासोरस में नहीं आएगा, ठीक है? कौन सा तुम्हारा ग्रुप डायनासोरस में नहीं आएगा? कॉमन सेंस यूज करो, आपका आंसर आ जाएगा।
ट्राइसियप टेरस और ब्रैकियोसोरस तो तुम्हारा था ना रेप्टाइल, टीरेक्स भी था। ये इक्सिथियोसोरस क्या था, ये तुम्हारा फिश लाइक रेप्टाइल था, तो डायनासोरस में नहीं आता था, ये फिश लाइक रेप्टाइल था एंड इट वॉज नॉट कमिंग अंडर डायनासोर, डायनासोर के अंदर ये नहीं आते थे। तो करेक्ट आंसर वुड बी सी, द करेक्ट आंसर वुड बी सी, राइट। चलिए ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन अ कलेक्शन ऑफ मॉथ मेड इन 1850s बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सेट इन, इट वॉज ऑब्जर्व दैट देयर वेयर बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो क्या होगा, बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या था, बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इस फिनोमिना को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, इस फिनोमिना को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, और क्या था बेटा, बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ये केटलवेल ने किया था, है ना, केटल वेल ने किया था, और इन्होंने वर्क किया था बिस्टन बीटुलेरिया पे, बिस्टन बीटुलेरिया पे, और क्या बोला था कि तुम्हारा मेलेनाइज मौत का आबादी पहले कम था, उसके बाद में मेलेनाइज मौत का आबादी बढ़ जाता है, तो मोर व्हाइट विंग मॉथ देन मेलेनाइज मौत। अगला क्वेश्चन नंबर 6, चूज एन एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से किसका इवोल्यूशन हुआ है, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से किसका इवोल्यूशन हुआ है। हाँ जी, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से किसका इवोल्यूशन हुआ है बच्चों, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से किसका इवोल्यूशन हुआ है। डार्विन फिंचेस, ये तुम्हारा नेचुरल सिलेक्शन है, और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से एडाप्टिव रेडिएशन, यहाँ पे मार्सुपियल्स में भी तुम्हारा एडाप्टिव रेडिएशन है। इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स तुम्हारा ब्रांचिंग डिसेंट है, एक एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, ये ब्रांचिंग डिसेंट है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इंसान के कर्णों के, एंटीबायोटिक बनाया इंसान ने, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की जो वैरायटी आई वो इंसान की वजह से, इट इज ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। 7, द फिनोमिना ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन कैन बी एग्जेम्प्लीफाइड बाय, फिनोमिना ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन कैन बी एग्जेम्प्लीफाइड बाय, कैन बी एग्जेम्प्लीफाइड बाय, कैन बी एग्जेम्पली फाइड बाय द फिनोमिना ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन कैन बी एग्जेम्पली फाइड बाय, कैसे एडाप्टिव रेडिएशन आपका एग्जेम्पलीफाई होता है, तो इट कैन बी डन बाय बोथ वन एंड थ्री, इट कैन बी एग्जेम्पलीफाइड बाय बोथ वन एंड। क्वेश्चन नंबर 8, इवोल्यूशन एक्सप्लेन्ड बाय डार्विन वॉज ग्रेजुअल व्हाइल डी व्राइस बिलीव म्यूटेशन कॉजेस स्पीशिएशन, द टर्म यूज बाय डी व्राइस, ह्यूगो डी व्राइस ने कौन सा टर्म यूज किया था, बिकॉज सिंपल सा चीज है, ह्यूगो डी व्राइस ने कौन सा टर्म यूज किया था, तो ह्यूगो डी व्राइस ने बोला था, सिंपल था, बहुत बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था आंसर इसका, बहुत सिंपल सा आंसर कि एक सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन होता है, एंड इस सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को हम सॉल्टेशन कहते हैं, याद रखना म्यूटेशन रैंडम है, डिसकंटिन्यूअस है, म्यूटेशन रैंडम है और डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, तो यहां सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, इसको हम सॉल्टेशन कहते हैं। अच्छा, बॉटल नेक इफेक्ट एंड फाउंडर्स इफेक्ट आर टू स्पेशल केसेस ऑफ,
टू स्पेशल केसेस ऑफ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ बच्चों। बॉटल नेक इफेक्ट एंड फाउंडर्स इफेक्ट आर टू स्पेशल केसेस ऑफ, जल्दी, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से बताइए आप लोग। बॉटल नेक इफेक्ट एंड फाउंडर्स इफेक्ट आर टू स्पेशल केसेस ऑफ, कौन से दो स्पेशल केसेस के लिए बॉटल नेक इफेक्ट और फाउंडर्स इफेक्ट काम करते हैं? हाँ जी, किस लिए होता है बेटा? नहीं, नेचुरल सिलेक्शन नहीं आएगा। बॉटल नेक इफेक्ट और तुम्हारा जो ये फाउंडर्स इफेक्ट है, ये तुम्हारा किस केस में आएगा? ये तुम्हारा जब आएगा, ये तुम्हारा आएगा इन केस ऑफ, ये तुम्हारा आएगा इन केस ऑफ नेचुरल, ये सी वॉल राइट इफेक्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं इसको, या सी वॉल राइट इफेक्ट कहते हैं, ये तुम्हारा आ जाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट के केस में, है ना। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता था? सडन चेंज इन द एलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल पॉपुलेशन, याद रखना, स्मॉल पॉपुलेशन में अगर एलीलिक फ्रीक्वेंसी में सडन चेंज होता है, इसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट या सी वॉल राइट इफेक्ट कहते हैं। दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द मिसमैच पेयर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन एंड देयर क्रेनियल कैपेसिटी, ऑफ ह्यूमन्स एंड देयर क्रेनियल कैपेसिटी। यार देखो, इसमें एनसीईआरटी के हिसाब से क्या है ना, देखो पंगा क्या है इसमें, एनसीईआरटी के हिसाब से किसका किसका क्या क्या है, ठीक है। होमो सेपियंस का 1450 है, नियंडरथल का 1400 है एनसीईआरटी के हिसाब से, तो इसी के हिसाब से मैंने ये आंसर, वैसे ये सारे ठीक थे, होमो सेपियंस भी लगभग 1400 होता है, ठीक है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से इसको किया गया है, ठीक है। ये ऐसे ही है, मतलब ये ऐसे ही है, तुम इसमें ऐसे लोड नहीं ले सकते हो, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। इरेक्टस का भी गलत दिया, इरेक्टस का भी 600 के आसपास होना चाहिए था, ठीक है, तो ये भी तुम्हारा है, बट होमो सेपियंस एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने किया है, जैसे इन कॉन्टेक्स्ट टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के हिसाब से ये 1450 है और नियंडरथल 1400 होता है, ठीक है, तो इस तरह से मैंने डी किया है। बट अगेन, ये क्रेनियल कैपेसिटी तुम्हारा जो एनसीईआरटी का डेटा है उसी के हिसाब से आएगा, ठीक है, क्रेनियल कैपेसिटी जो तुम्हारा एनसीईआरटी का डेटा है उसी के हिसाब से आएगा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर वेस्टिजियल इन ह्यूमन बींग्स, आर वेस्टिजियल इन ह्यूमन बींग। अब इसमें मैंने कल आज पढ़ाया था, ठीक है, आज पढ़ाया था, तो टेक्निकली एनसीईआरटी के हिसाब से कुछ आंसर कुछ और आएगा, ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर कुछ और आएगा, एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर कुछ और आएगा, तो इसको करेक्ट कर लेना बच्चों, ठीक है, इस पर बार बार क्वेश्चन आता है, इसको करेक्ट कर लेना, इस पर बार बार क्वेश्चन आता है बच्चों। हाँ जी, जिन्होंने डी किया है वो सही है, एक्चुअली ईयर पिना वेस्टिजियल होता है, लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि ईयर पिना वेस्टिजियल नहीं होता, एनसीईआरटी कहती है कि मसल्स ऑफ ईयर पिना वेस्टिजियल होते हैं, मसल्स ऑफ ईयर पिना वेस्टिजियल होते हैं, ये एनसीईआरटी का कहना है, ठीक है, तो अब जो एनसीईआरटी माता बोलती है हमें तो उनको ही सुनना पड़ता है, तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे आपको इसका ध्यान रखना है। अगला सवाल बच्चों, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम ओल्डेस्ट टू रिसेंट, फ्रॉम ओल्डेस्ट टू रिसेंट, ठीक है, फ्रॉम ओल्डेस्ट टू री सेंट, फ्रॉम ओल्डेस्ट टू रीसेंट, फ्रॉम ओल्डेस्ट टू रीसेंट, हाँ जी, क्या होगा? बिल्कुल, पहले क्या था? ड्रायोप्थिकस, रामोप्थिकस, ऑस्ट्रेलियोप्थिकस, होमोहैबिलिस, होमो इरेक्टस में क्या आ गया? जावा मैन और पीकिंग मैन। होमो इरेक्टस के बाद फिर क्या आएगा? नियंडरथल, नियंडरथल के बाद आएगा क्रोमैग्नन, और क्रोमैग्नन के बाद आ जाएगा होमो सेपियंस, क्रोमैग्नन के बाद आ जाएगा होमो सेपियंस, तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, राइट।
अगला क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वी ट्रीट इवोल्यूशन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड, व्हेन वी डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वी ट्रीट, अब तुमको यहाँ पे दिमाग लगाना है, तुमको दिमाग लगाना है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये। हाँ जी, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वी ट्रीट इवोल्यूशन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोसेस कॉल्ड नेचुरल सेलेक्शन, कॉल्ड नेचुरल सेलेक्शन। सो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन, अगेन हमने अभी तुरंत ही किया था, हमने अभी तुरंत बोला था आपको, अभी बोला था ना बच्चों, इसमें क्यों गलती कर रहे हो। अभी हमने तुरंत इसको किया था, क्या बोला कि ईयर पिना नहीं होता, मसल्स ऑफ ईयर पिना होता है, हमेशा याद रखिए, ऑरिकुलर मसल्स कहते हैं, ठीक है, मसल्स ऑफ ईयर पिना होता है। प्लीज कीप दिस इन माइंड, प्लीज कीप दिस इन माइंड व्हेन एवर यू आर स्टडिंग, इट इज मसल्स ऑफ ईयर पिना, नॉट ईयर पिना, ठीक है। एटाविज्म तुम्हारा आता है, सडन अपियरेंस ऑफ कैरेक्टर, जो बहुत जनरेशन तक नहीं था फिर अचानक से आ गया, उसको मेटाविज्म कहते हैं। होमोलॉजी आता है, माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट, तुम्हारा होमोलॉजी होता है, एंड ट्रेंडर्स तुम्हारा ये आ गया, बिल्कुल सही। अगला 15, द प्रेजेंट ऑफ गिल स्लिट्स इन एम्ब्रियोज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट सपोर्ट्स द, कौन सा लॉ होगा, कौन सा लॉ होगा। प्रेजेंस ऑफ ऑन्टोजेनी, रिकैपिटुलेट्स, फिलोजेनी, ऑन्टोजेनी, रिकैपिटुलेट्स, फिलोजेनी, इट वाज लेटर मॉडिफाइड बाय हैकल चचा एज बायोजेनेटिक लॉ, है ना, एज बायोजेनेटिक लॉ। थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस से तुम्हारा डार्विन चचा ने दिया था, पैंजेंस होता था, है ना। थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म, जर्म प्लाज्म वेसमैन ने दिया था, अगस्त वेसमैन, ठीक है। पैनस्पर्मिया आपका एरहीनियस ने दिया था, ठीक है, पैनस्पर्मिया आपका एरहीनियस ने दिया था, ग्रेट जॉब गाइस, बहुत अच्छा, ठीक है, ये हमारे हैकल चचा ने दिया था, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखो, कनेक्टिंग लिंक पे क्वेश्चन आता है, कनेक्टिंग लिंक पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है, आंसर बताइए इसका। एक ऑप्शन तुम देखते हो तो तुम्हारा आंसर आ जाता है, एग्जैक्टली, अगर जो तुम एनिमल किंगडम अगर जिसने पढ़ा है ढंग से वो सिर्फ एक ऑप्शन देखता तो उसका आंसर आ जाता, उसको दूसरे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर सिर्फ एक ही क्वेश्चन तुम देख लिए रहते तो तुम्हारा आंसर आ जाता, तुमको दूसरे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या होता है बेटा, यहाँ पे आ गया बिलानोग्लॉसस, है ना, हेमीकॉर्डेट्स में था, प्रोबोसिस, टेल, कॉलर, देखा था ना आपने, तो ये तुम्हारा नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच में आ जाएगा, डी का वन आ गया, यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट, यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट, यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट, यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट, ठीक है। काइमेरा होता है बिटवीन कार्टिलेजनस एंड नॉन कार्टिलेजनस, ठीक है। पेरीपेटस तुम्हारा आर्थ्रोपोडा, और नियोपेलिना आपको पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, बिटवीन ओवीपेरस एंड वीवीपेरस में डक बाइल प्लैटिपस आ जाएगा, ठीक है, डक बाइल प्लैटिपस आ जाएगा। विच वन ऑफ द कैन बी कंसिडर्ड एज फिलोजेनेटिकली मोर क्लोजर रिलेटिव ऑफ मैमल्स। अब इसमें क्या आता है कि एनसीईआरटी में एक ब्रांच वाला टेबल दिया हुआ है, उसको आपको देखना है बच्चों, ठीक है, एनसीईआरटी में एक ब्रांच वाला टेबल दिया हुआ है जिसको आपको देखना है, जिसको आपको देखना है।
कौन सा आएगा? नहीं, कैसे कर रहे हो यार? देखो एनसीईआरटी कहाँ गया यार, क्लास 12 का एनसीईआरटी। अरे कहीं रख दिया, अच्छा इसके नीचे ही तो है। रुको रुको, मैं दिखाता हूँ तुम्हें दिखाता हूँ कैसा टेबल होता है। यहाँ पे देखो तो तुमको समझ में आ जाएगा कैसे तुमको देखना होता है। देखो क्लास 12 के एनसीईआरटी का टेबल देखो, यहाँ पे मैमल्स के फॉर्म में, ठीक है। पेज नंबर निकालो बच्चों, पेज नंबर निकालो, यहाँ पे पेज नंबर निकालो तुम्हारा, यहाँ पे। तो ये यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा थ्री एब्सिड, यहाँ पे पेज नंबर है तुम्हारा 139। यहाँ पे देखो थ्री एब्सिड दिख रहा है, यहाँ पे तुम्हारा जहाँ उंगली है मेरा थ्री एब्सिड दिख रहा है, ये सीधा मैमल्स पे आ गया। तो ये ब्रांच आता है, तो ये मोस्ट क्लोजेस्ट हो जाता है, ठीक है। ये मोस्ट क्लोजेस्ट आ जाता है, ठीक है। थीकोडॉन्ट डायरेक्टली क्रोकोडाइल और ब्लड पे आता है, ठीक है। ये दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्लीज आप कर लीजिएगा। पेज नंबर 1, इसमें जो लेबलिंग दिया है, जैसे इसमें सिलिफाइटॉन राइना टाइप, इस पे क्वेश्चन आता है, इस पे क्वेश्चन आता है, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। ये बार बार मैंने कराया है, ये टेबल पे क्वेश्चन आ सकता है और इस पे लोगों की हालत खराब हो जाएगी। लोगों को बोलेगा अरे यार कहाँ दिया, ये तो एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है, कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है, इस पे प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, लमार्किज्म इज सपोर्टेड बाय फॉलोइंग एग्जांपल्स एक्सेप्ट, किससे लमार्किज्म सपोर्ट नहीं करता है? आंसर इज, मैं नीचे फिर से किताब डाल दूँ, मेरा लैपटॉप गर्म हो जाता है भाई, फिर पता चला नहीं चल पाएगा। बेटा ये सब तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तो आपको अच्छे से करना चाहिए, इसको तो आपके अच्छे से करना चाहिए बच्चों, इसको तो आपको अच्छे से करना चाहिए था ना, है ना। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन। लमार्किज्म में क्या होता था बेटा? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन, है ना, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन होता था, और यहाँ पे तुम्हारा ये आ जाता था, ठीक है। तो लमार्किज्म में क्या आ जाएगा? मेलेनिज्म इन पेपर मॉथ, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द फर्स्ट प्री हिस्टोरिक मैन टू मेक यूज ऑफ फायर फॉर हंटिंग डिफेंस एंड कुकिंग, हंटिंग डिफेंस एंड कुकिंग। देखो फायर किसी और ने डिस्कवर किया था, हंटिंग डिफेंस और कुकिंग में कुछ और फाइनली आया था। एनसीईआरटी से पढ़ना ये ह्यूमन इवोल्यूशन, बिल्कुल लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को लिखना, थोड़ा सा ही है लेकिन घुमा फिरा के क्वेश्चन उसी से पूछते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ बाहर से पूछ देते हैं, बिल्कुल ये एनसीईआरटी सेंट्रिक होता है, ठीक है। बट घुमा फिरा के पूछ देते हैं इसलिए तुम लोग कंफ्यूज कर जाते हो, तो इसको पढ़ना है एनसीईआरटी से ही, ठीक है। इसको कहीं कंफ्यूज मत कर देना कि ये ऐसे कैसे हुआ, ये ऐसे कैसे हुआ, यहाँ कैसे हुआ, यहाँ कैसे हुआ, ठीक है। तो ये इसको एनसीईआरटी से पढ़ना, ठीक है। तो इट इज होमो इरेक्टस, इट इज होमो इरेक्टस, ठीक है, इट इज होमो इरेक्टस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें बताना है, देख के पता चल गया। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एनालोगस ऑर्गेन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है, बिल्कुल सही बात है। टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन इज लैक ऑफ रैंडम मेटिंग, क्या क्या नहीं होना चाहिए? लैक रैंडम टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन इज डिस्टर्ब बाय लैक ऑफ रैंडम मेटिंग, रैंडम मेटिंग होना चाहिए, रैंडम मेटिंग होना चाहिए, ठीक है। लार्ज पॉपुलेशन होना चाहिए, बाकी सब कुछ, जीन माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, इमिग्रेशन नहीं होना चाहिए था, एमिग्रेशन नहीं होना चाहिए था, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए था, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए था, ठीक है। होना क्या चाहिए था? रैंडम मेटिंग होना चाहिए था और लार्ज पॉपुलेशन होना चाहिए था। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट फ्रॉम स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन, बिल्कुल जेनेटिक ड्रिफ्ट जब भी होगा वो स्मॉल पॉपुलेशन में ही होगा, सत्य वचन है ये, ठीक है। डार्विन वेरिएशन आर रैंडम, एंड ये तुम्हारा डार्विन का वेरिएशन तुम्हारा कंटिन्यूअस था, ये तुम्हारा यूगो डिवराइज वाला रैंडम और डायरेक्शन लेस था, ठीक है, यूगो डिवराइज वाला रैंडम और डायरेक्शन लेस था।
क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट दैट एनिमल्स व्हेन वार्म ब्लडेड बिकम्स लार्जर इन साइज एंड नॉर्दर्न इन कोल्ड ब्लडेड कोल्ड पार्ट्स क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट दैट एनिमल विच आर वार्म ब्लडेड बिकम्स लार्जर इन साइज एंड लार्जर इन साइज इन द नॉर्दर्न एंड कोल्डर पार्ट्स ऑफ देयर रेंज। ये उल्टा नहीं है, ये उल्टा नहीं है। देखो यार ये क्वेश्चन गड़बड़ है, ठीक है ये क्वेश्चन गड़बड़ है। देखो क्या है, एलेंस रूल क्या होता है, सुनो सुनो, एलेंस लॉ क्या होता है, एलेंस लॉ में तुम्हारा कि एक्सपोज्ड एक्सट्रीमिटीज जो है वार्म साइड में वो बड़े होंगे, कान बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ठीक है, और ठंडी जगह पे एक्सपोज्ड एक्सट्रीमिटीज कम होंगी। ये एक्सपोज्ड एक्सट्रीमिटीज, एक्सपोज्ड एक्सट्रीमिटीज के केस में, एक्सट्रीमिटीज के केस में होगा, ठीक है। और बर्ड्स के केस में क्या आता है, बर्ड्स के केस में तुम्हारा बर्गमैन्स रूल आता है। बर्ड्स के केस में तुम्हारा बर्गमैन्स रूल होता है, उसमें क्या होता है कि वार्म एरिया में, ठीक है, वार्म एरिया में तुम्हारा क्या आ जाएगा, वार्म एरिया में, ट्रॉपिकल एरिया में साइज छोटा होगा, ठीक है, और लार्ज एरिया में तुम्हारा साइज बड़ा होगा। क्या ईयर है, विच आर वार्म ब्लडेड हैव लार्जर इन बिकम्स लार्जर इन साइज इन द नदर्न पार्ट ऑफ द, हाँ बेटा, लेकिन ये वार्म ब्लडेड तुम्हारा एलेंस रूल उस पर आएगा, सिर्फ एक्सपोज एक्सट्रीमिटीज, कान हो गया, हाथ पैर हो गया, ठीक है, कान हो गया या हाथ पैर हो गया, तो इसलिए, ठीक है, तो उस हिसाब से तुम्हारा आंसर इसका एलेंस रूल होगा। बट अगेन ये परफेक्टली करेक्ट क्वेश्चन फ्रेम नहीं है, ये परफेक्टली करेक्ट क्वेश्चन फ्रेम नहीं है, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। कौन सा आ गया, अरे सॉरी इसका, अरे एक्सपोज साइज पे है ना, साइज पे होगा तो तुम्हारा, साइज पे होगा तो बर्गमैन्स रूल होगा, ठीक है। वैसे चलो ठीक है, इस पे क्या ही दोगे, मतलब इस पे ये करेक्ट क्वेश्चन ही नहीं है टेक्निकली, ठीक है, करेक्ट वार्म ब्लडेड वाले पे होना चाहिए, ट्रॉपिकल कंट्रीज पे होना चाहिए था, ठीक है, कोल्डर पार्ट्स ऑफ द रेंज, ठीक है, तो वैसे साइज के हिसाब से बर्गमैन्स रूल आना चाहिए था, वैसे बी आना चाहिए था, सॉरी, साइज के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो बर्गमैन्स रूल आएगा, ठीक है, साइज के हिसाब से बात करेंगे तो बर्गमैन्स रूल आएगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस प्रपोज बाय डार्विन फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, सीक्वेंस प्रपोज बाय डार्विन फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। चलो इसमें लीडर बोर्ड मैं दिखा देता हूँ, हाँ जी लीडर बोर्ड दिखा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ लीडर बोर्ड, हाँ जी, डार्विन चचा का जो सीक्वेंस था ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का वो क्या था, डार्विन चचा का जो सीक्वेंस था ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का वो क्या था बच्चों? तो पहला पॉइंट जो आता था, सबसे पहला आता था, खूब सारा बच्चा पैदा करो, बच्चा पैदा करोगे तो क्या होगा, रिसोर्सेस लिमिटेड होंगे, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा, उसके बाद फिर क्या होगा कि वेरिएशन आएगा और उन वेरिएशन में से नेचर जिसको सेलेक्ट करेगा वही सर्वाइव करेगा, वही सर्वाइव करेगा, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, और सॉरी 58 कहाँ लिख दिया, 23 होगा, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, क्या होगा बाबू, ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज से यहाँ देखो आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज डार्विन, ठीक है, फिजियोलॉजी का जो ये तुम्हारा, ऑरिजिन ऑफ लाइफ तुम्हारा ओपेरिन हेल्डन हाइपोथेसिस, और मैन प्लेस इन नेचर तुम्हारा, ठीक है, तो आंसर तुम्हारा आ गया वो, सॉरी हाँ सी आ, सी का वन है ना, बी, 24। बाय चांस हो रहा है, अगर रैंडम हो रहा है, बाय चांस हो रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, रैंडम हो रहा है और बाय चांस हो रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं,
इफ चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी अकर्स बाय चांस तो इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। बिल्कुल सही। अगर ये बाय चांस हो रहा है, अगर ये बाय चांस हो रहा है तो बच्चों इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। इसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं अगर ये बाय चांस हो रहा है तो। ठीक है, हमेशा याद रखना ये बाय चांस होगा। एनिमल्स कॉल्ड दैट इवॉल्व फर्स्ट, एम्फीबियंस। फर्स्ट एम्फीबियंस कैसे? जॉलेस फिश तो पहले आया, उसके बाद फिर फिश पूरा प्रॉपर आया, फिर काइमेरा आया तुम्हारा बोनी, और इसके लिए फर्स्ट एम्फीबियन के लिए साथ सीओ लेंथ और लो फिन फिश आता था। ठीक है, ये तुम्हारा खत्म हो गया था, ये उसके बाद फिर से आ गया था 1938 में। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट। 26 लिविंग फॉसिल्स बताए थे हमने, लिविंग फॉसिल्स जल्दी बता दो। लिविंग फॉसिल्स किसको कहते हैं? गलत कर दिया क्या मैंने? गलत कर दिया क्या मैंने? हाँ, ये गलत कर दिया क्या मैंने? ठीक है, अच्छा सही है ना। हाँ, लिमुलस तो वो, हाँ ठीक है ना, लोकस ही होता है, लोकस ही तो होता है ना। हाँ, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक 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 है, ठीक ठीक है। मैं लीडर बोर्ड अभी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, लोकस ही होता है, लोकस ही। ठीक है, ठीक है, सी इज द, ठीक है। खुश तुम्हारा टॉप पे है, अर्नब उसके बाद है, आयुष उसके बाद है, सुजल, हर्षित, देवोश्री, प्रत्युष, विप्रा, आकांक्षा एंड हीनल। ठीक है, हाँ एक्सेप्ट, वही तो बोले ना, एक्सेप्ट ना, लिविंग फॉसिल, फ्यू एग्जांपल ऑफ लिविंग फॉसिल, एक्सेप्ट, वही वही एक्सेप्ट ही बोला है ना। हाँ, हम समझ गए। ये तुम्हारा किंग क्रैब है, ये तुम्हारा नियोपिलिन, और ये आ गया ना। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तभी तो। हाँ तो ठीक तो है, एक्सेप्ट ही तो, लोकस्टा तो वो हो गया ना। हाँ ठीक है, वही तो। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिलेटेड टू ह्यूमन इवोल्यूशन, कैन नॉट बी रिलेटेड टू ह्यूमन इवोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिलेटेड टू ह्यूमन इवोल्यूशन। हाँ ठीक है, क्या चेंज नहीं हुआ था? हाँ जी, क्या चेंज नहीं हुआ था? नंबर ऑफ फिंगर एंड टोज तुम्हारा ऐसा 5 का 5 ही था, उसमें तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ठीक है, ओपोजिबल बस थम आ गया था, ये थम आ गया था। ठीक है, तो बाकी तो ठीक है। सी इज द, इट कैन नॉट बी रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग रेप्टाइल्स डू नॉट बिलोंग टू सारूपसोड। अगेन यहाँ पे एनसीईआरटी वाला वो डब्बा खोलो, तुमको दिख जाएगा। अगेन यहाँ पे एनसीईआरटी वाला वो डब्बा खोलो और तुमको दिख जाएगा। ठीक है, सारूपसॉइड में सारा आ जाता है, इसको छोड़ के देखो। ये वाला तुमको पढ़ना पड़ेगा बच्चों, एक बार देखो, ये डब्बा है ना, इसको, ये पेज नंबर जो है, ये वाला तुमको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं अब, हर इंस्टीट्यूट डाल दिए, तो आपको इसको एक बार पढ़ना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी के बाहर का है, ठीक है, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, तो ये मत सोचना कि मैंने एनसीईआरटी के बाहर का दिया है। देखो यहाँ पे तो सारूप साइड में तुम्हारा सारा आ जाता है। सारूप साइड में तुम्हारा क्या आ गया? तुम्हारे यहाँ से देखो लिजर्ड्स आ गए, ठीक है, यहाँ से तुम्हारे स्नेक्स आ गए, यहाँ से तुम्हारे रेप्टाइल्स आ गए, और ये तुम्हारा क्रोकोडाइल्स भी आ जाता है। ठीक है,
तुम्हारा बस ये अलग आता है, ये तुम्हारा अलग आता है, ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ से देखना होगा तुमको, ठीक है। साइनाप्सिड्स में तुम्हारा प्लीकोसोरस आ जाता है, ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा। नहीं बेटा, हाँ डी होगा, डी इज द करेक्ट आंसर, ये तुम्हारा साइनाप्सिड्स में आ जाता है, ठीक है। 29, 29, अर्ली ग्रीक थिंकर्स थॉट यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर्स ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ फ्रॉम द आउटर स्पेस, दिस इज ट्रू अकॉर्डिंग टू। दिस इज ट्रू अकॉर्डिंग टू क्या है, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया विच वॉज गिवन बाय एरिनियस, और उसके साथ ही एक एडजेसेंट थ्योरी दिया गया था जिसको हम कॉस्मोजोइक थ्योरी कहते हैं, दैट वॉज गिवन बाय रिचर्ड, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 30, टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिट एंड थॉर्न्स ऑफ बोगनविला आर 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 दोनों किसका मॉडिफिकेशन है, दोनों आपका स्टेम मॉडिफिकेशन है, दोनों आपका स्टेम मॉडिफिकेशन है, और स्ट्रक्चर सिमिलर है बट फंक्शन डिफरेंट है, एक का फंक्शन सपोर्ट है, एक का फंक्शन प्रोटेक्शन है। तो इस तरह के ऑर्गन को हम होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं, और क्या होता है इस तरह के ऑर्गन को, अगर हम होमोलोगस ऑर्गन शो करते हैं, एंड इट विल शो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इट विल शो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, हम बोल रहे हैं एग्जैक्टली है ना, तुम्हारा ये ऑस्ट्रेलियन नहीं प्लेसेंटल में आ जाता है, ठीक है ना। हाँ ये तीनों तुम्हारा ऑस्ट्रेलियन में आ गया, ये तुम्हारा ऑस्ट्रेलियन नहीं है, ठीक है। अगेन वो जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल वाला है वो आपको देखना है बेटा, ये सब कुछ है, सब कुछ है, बेंडिकूट बॉब कैट वगैरह सब आ जाता है इसमें, तो आंसर तुम्हारा सही है ना। चलो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा क्वेश्चन है 32, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, अच्छा ठीक है ना, और डिस्ट्रीब्यूशन डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में तुम्हारा ये आ जाएगा ना, क्योंकि बाकी सारा कंटिन्यूअस नहीं बेटा, सब नहीं आएगा ना। मार्सुपियल डिसकंटिन्यूअस कैसे है, मार्सुपियल तो एडाप्टिव ब्रीडिंग का पार्ट है, वो तो डार्विन वाला नेचुरल सिलेक्शन का पार्ट है जो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। एग लेइंग मैमल्स क्या हो गया, तुम्हारा कनेक्टिंग लिंक है, तो वो भी तुम्हारा उसका पार्ट है, ठीक है। लंग्स फिश जो आते हैं ये तुम्हारा नहीं आता, तो ये तुम्हारा आंसर सी होगा इसका, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाता है, तो आंसर तुम्हारा सी आ गया। थर्टी थ्री, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, ऑप्शन एलिमिनेट करो तुम्हारा आ जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेट करो तुम्हारा आ जाएगा, एपिटेंसी बेटा उससे हो गया, तुम्हारा एपिटाइट से रिलेटेड होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। आई एम नॉट वेरी श्योर, आई थिंक ये एपिटाइट से रिलेटेड होगा जहाँ पे भूख आ जाता है तुम्हारा, ठीक है। एनीवेज वैसे भी ऑप्शन एलिमिनेट करते तुमको नहीं भी पता होता तो तुम्हारा आंसर आ जाता, ठीक है। अगला 34, गिवेन बिलो आर अ फ्यू एग्जाम्पल एक्सेप्ट, अगला देख लो अपना आ गया 34, अपना आ गया आंसर है ना।
क्वाडेटा नॉन क्वाडेटा किए थे हम, पेरिपेटस किए थे हम, प्लैटिपस किए थे हम, हमने एक नहीं किया था मिलानोथेरा। ठीक है, ये हमारा किसमें मैमल का एग्जांपल आ जाएगा, तो आंसर तुम्हारा डी हो जाएगा। इसमें टाइम देने का पॉइंट ही नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन था। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्डेट हैज सिंपल पर्स लाइक बॉडी दैट शोज नो ट्रेस टू कॉर्डेट कनेक्शन बट इट्स लार्वे पॉजेजेस ऑल इंपॉर्टेंट कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑल इंपॉर्टेंट कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स है ना? एग्जैक्टली बेटा, बेलानोक्लासेस कैसे लार्वा में थोड़ी तो कॉर्डेट्स तो होता है ना तुम्हारा इसमें। ठीक है, ट्रेस तो शो कर रहा है ना कॉर्डेट कनेक्शन, यही तो कनेक्टिंग लिंक है, तो ट्रेस तो शो ही कर रहा है। ठीक है, इसमें तुम्हारा सिर्फ लार्वल स्टेजेस में होता है। 36 36 डार्विन थ्योरीज ऑफ पैनजेनेसिस वॉज रिजेक्टेड बाय, डार्विन थ्योरीज ऑफ पैनजेनेसिस वॉज रिजेक्टेड बाय, आई थिंक एक ही हो सकता है इसमें ऑप्शन, एक ही हो सकता है इसमें ऑप्शन, और तो कोई हो ही नहीं सकता। आई एम नॉट वेरी श्योर इसका। पैनजेनेसिस में था कि हर सोमैटिक सेल इसका करता है। ठीक है, तो इसमें तो ये देखो पैनस्पर्मिया क्या हो गया, पैनस्पर्मिया आ गया कि तुम्हारा अरिनियस वाला। ठीक है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं था इसको, पैनजेनेसिस थ्योरी को। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट ये तुम्हारा लमार्क वाला था, ये पहले आया था तो ये कैसे रिजेक्ट करेगा। थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म ये विजमैन का था, और ये किसको ये किया था, ये लमार्क वाले थ्योरी को डिसअप्रूव किया था। तो आई थिंक म्यूटेशनल थ्योरी होना चाहिए। आई एम नॉट वेरी श्योर। आंसर बताओ बच्चों, तुम लोग बताओ कि आंसर इसके पोल के मार्क्स ऐड नहीं होंगे। तुम लोग आंसर बताओ क्या है, इसके पोल के मार्क्स मैं ऐड नहीं करूंगा। म्यूटेशन ही है ना, म्यूटेशन ही, मुझे भी म्यूटेशन ही लग रहा है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर इसका। आई एम नॉट वेरी श्योर इसका। ठीक है, मुझे भी इसका म्यूटेशन ही लग रहा था, है ना। बेटा फर्स्ट कैसे होगा, मतलब फर्स्ट थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म तो विजमैन वाला था ना। हाँ, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ जर्म प्लाज्म तो विजमैन वाला था ना, है ना। थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म तो विजमैन वाला था, इसलिए मैंने नहीं किया। कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म वो था ना कि पूछ बार बार काट रहे हो, बार बार काट रहे हो तो आ रहा है, तो डार्विन में भी तो था। पैनजेनेसिस क्या बोला था, कि पैनजेंस होते हैं जो बच्चा पैदा करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मुझे ये डाउटफुल लग रहा है। एक्चुअली थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस को रिजेक्ट किया था मेंडल के वो, उसने पैनजेनेसिस थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस को, फिर मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ने इसको रिजेक्ट किया था। ठीक है, टेक्निकली ये होना चाहिए था, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस को मेंडल्स लॉ ने रिजेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पे ये आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग अनरिलेटेड टू डार्विन थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनरिलेटेड टू डार्विन थ्योरी, अनरिलेटेड टू डार्विन, इजी है। हाँ जी, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का पार्ट है, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का पार्ट है, तो ये तुम्हारा अनरिलेटेड होता है डार्विन थ्योरी, ये म्यूटेशन थ्योरी है, ये तुम्हारा म्यूटेशन थ्योरी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इजी था। इफ नेचुरल सिलेक्शन सेलेक्ट्स मोर इंडिविजुअल विथ मीन कैरेक्टर्स कंपेयर टू वेरियंट, विच काइंड ऑफ सेलेक्शन दे आर ऑपरेटिंग, मीन कैरेक्टर बोल रहा है। ठीक है, मीन कैरेक्टरिस्टिक्स को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, हेटरोजाइगस कंडीशन को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। तो क्या है, अगर पीक तुम्हारा जो मीन पीक है वो तुम्हारा नैरो और इधर होते जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्टेबलाइजिंग सेलेक्शन कहते हैं।
ठीक है, अगर किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है, अगर किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है तो डायरेक्शनल होता है, एंड अगर ऐसे कहीं बीच में ए बी वी दोनों कर रहा है तो डिसरप्टिव होता है. तो करेक्ट आंसर इज ए, द करेक्ट आंसर इज ए. द ऑटोजीनस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ स्पीसीज विथ पैसेज ऑफ टाइम. ऑटोजीनस, ये तो मुझे आता ही नहीं यार, ये मुझे नहीं आता. ऑटोजीनस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू पाइलिंग ऑफ अ वेरिएशन इज कॉल्ड. बाप रे बाप, बड़ा खतरनाक नाम है, बड़ा खतरनाक नाम है. इसका आंसर देखना पड़ेगा मुझे, एक सेकंड को, कहाँ गया इसका आंसर की, एक सेकंड को, ये मुझे आता नहीं है. देख लो, मुझे भी आंसर्स नहीं आ रहे हैं, क्या ही हाल है तुम्हारे टीचर का. इसका आंसर डी दिया है, बट मुझे पता नहीं है क्या होता है क्लैडोजेनेसिस, एनाजेनेसिस, स्टेपेजेनेसिस. ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है. अरे हाँ भाई, पॉडकास्ट आज रात में मिलेगा, क्यों एक ही नारा पकड़ते हो. चलो इस क्वेश्चन को, वैसे एनसीईआरटी के बारे इसको हम लोग छोड़ देते हैं. इसको क्या आंसर है बच्चों इसका, डी है ना शायद, डी है ना. हाँ ठीक है, चलो इसको स्किप कर देते हैं, इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है. ऐसे ही आंसर दे दो, ठीक है, ये ऐड नहीं होगा आपके पोल में, ठीक है. मुझे नहीं पता ये, चलो तुम लोग देखो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हो, तुम लोग मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हो. नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ठीक है. हाँ नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा बेटा, ठीक. क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीनस ऑफ एक्सटिंक्ट वैस्कुलर प्लांट. ये तो हमने किया था, एक्सटिंक्ट वैस्कुलर प्लांट, ये मैंने आपको बताया था कि इसको भी आपको करना है, इसको भी आपको करना है ना. क्या होगा, क्या होगा, नहीं बाबू तुम्हारा राइना आएगा ना इस पे, सॉरी, अरे सॉरी 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 सॉरी, गलत गलत गलत, ये हाँ हाँ प्लीसोफाइटोन ही आएगा, सी होगा, सी होगा, सी फिर गलत है, गलत आ गया, गलत आ गया, गलत आ गया. ऑप्शन सी मार कर, सी मार, हाँ सी होगा, सी होगा, सी होगा, सी होगा, सही होगा, प्लीसोफाइटोन होगा ना, सॉरी मैं चैट देखने में सी मार कर दो भाई, सी का, ठीक है, प्लीसोफाइटोन होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा उसके साथ है. तो राइना तो उधर की तरफ है और लाइकोपॉड्स इधर है, ठीक है. हाँ बिल्कुल सही, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. फोर्टी वन, व्हेन हाइब्रिड जाइगोट्स फेल टू डेवलप फर्दर, अगर कोई हाइब्रिड जाइगोट है वो आगे डेवलप नहीं कर पा रहा, अगर कोई हाइब्रिड जाइगोट है वो आगे ये तुम्हारा डेवलप नहीं, जाइगोट ही डेवलप नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा, जाइगोट ही डेवलप नहीं कर पा रहा. एग्जैक्टली, हाइब्रिड स्टेरिलिटी तब होता है कि अगर कोई हाइब्रिड आया, अगर कोई हाइब्रिड आया तो उसकी वजह से अगर स्टेरिलिटी हो रहा है तो उसको हम हाइब्रिड स्टेरिलिटी कहते हैं, ठीक है. अगर कोई हाइब्रिड आया और उस हाइब्रिड में स्टेरिलिटी हो गया, जैसे म्यूल हो गया है ना, ये स्टेराइल हो जाता है, हिनी हो गया, ये स्टेराइल होता है, इसको हम हाइब्रिड स्टेरिलिटी कहते हैं. यहाँ पे जाइगोट तो बना और जाइगोट ही डेवलप नहीं कर पाया, जाइगोट बना तो जाइगोट डेवलप, तो हाइब्रिड बनेगा ही नहीं, हाइब्रिड नहीं बनेगा तो हाइब्रिड इन अवेबिलिटी उसको कहते हैं, हाइब्रिड इन अवेबिलिटी इसको हम कहते हैं. हाइब्रिड ब्रेकडाउन रुक गया और टेम्पोरल आइसोलेशन होता है बेटा, अगर बिहेवियरल पैटर्न में चेंजेस है, मतलब जैसे अगर तुम देख लो कि अगर मान लो एक फ्लावर ब्लूम कर रहा है, ठीक है, दूसरा फ्लावर लेट अभी बर्ड स्टेज पे, तो उसको हम टेम्पोरल आइसोलेशन, सीजनल वेरिएशन होता है तो वहां पे हम टेम्पोरल आइसोलेशन कहते हैं. द फर्स्ट ह्यूमन बींग द होमिनॉइड और होमोहैबिलिस विच हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट 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 ठीक है. दे डिड नॉट ईट मीट लिखा हुआ है, हैंडीमैन टूलमैन लिखा हुआ है, क्रेनियल कैपेसिटी लिखा हुआ है,
एप लाइक सेमी इरेक्ट पोस्चर ड्रायोपथिकस का था, ऑस्ट्रेलियोपथिकस के बाद पोस्चर इरेक्ट हो जाता है, ऑस्ट्रेलियोपथिकस के बाद पोस्चर इरेक्ट हो जाता है, तो करेक्ट आंसर इज डी। प्लांट टॉलरेंस टू जिंक, ये एनसीईआरटी के बाहर का है तुम्हारे, प्लांट टॉलरेंस टू जिंक, ये पहले भी मैंने मुझसे किसी ने पूछा था, ये पहले भी मुझसे किसी ने पूछा था, तभी मैंने देखा था, मुझे याद है ना, प्लांट विच इज टॉलरेंट टू जिंक, ठीक है, ये बहुत पहले कभी आया है 94-95 में एम्स के पेपर में, ठीक है, तो ये बहुत पहले आया था, नहीं भी आता आपको तो कोई दुख की बात नहीं है, अगर आपको ये नहीं भी आता तो कोई दुख की बात नहीं, द करेक्ट आंसर इज सी। इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, इनकरेक्ट रिगार्डिंग इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, जी इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ टोस्ट, टोस्ट तो कम हो रहे थे ना, हूप्स का फॉर्मेशन हो रहा था, सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, डी इज द रॉन्ग ऑप्शन। अगला बच्चों कौन सा है, 43 था, 44 लास्ट क्वेश्चन है, 45, ठीक है लास्ट क्वेश्चन है, मैं लीडर बोर्ड इसके बाद आपको दिखाता हूँ। व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेड इन इवोल्यूशन ऑफ होमोसेपियंस फ्रॉम इस एंसेस्टर्स, मोस्ट सिग्निफिकेंट, तो यार सबसे सिग्निफिकेंट ट्रेंड तो यही आएगा है ना, एक ही जगह बस ये चेंज हुआ है, एक ही जगह बस ये चेंज हुआ है, बाकी सब जगह यही काम करता है, एक ही जगह बस ये चेंज हुआ है, बाकी सब जगह यही काम करता है, क्या इंक्रीज क्रेनियल कैपेसिटी, क्रेनियल कैपेसिटी सब जगह ज्यादा होता गया एक्सेप्ट एक्सेप्ट क्रोमैग्निन, क्रोमैग्निन का 1650 सीसी था, 1650 सीसी था, उसके बाद कम होके 1450 हो, क्योंकि डिलीवरी होने में उसकी दिक्कत आती थी। सो दैट वाज इट फॉर इवोल्यूशन, मैं अभी लीडर बोर्ड आपका शेयर कर देता हूँ, ठीक है, मैं अभी लीडर बोर्ड आपका शेयर कर देता हूँ, सो दिस इज द लीडर बोर्ड सभा, अरे वाह पुराने बालक आज टॉप कर गया, हिनल सभा आयुष खुश और ये आ गया तुम्हारा लीडर बोर्ड, ठीक है, चलिए ग्रेट जॉब गाइस, ग्रेट जॉब, ठीक है, बाकी तुम लोग को पता है टेलीग्राम पे फॉलो कर लो। अच्छा मैंने क्रैश कोर्स का एक मॉड्यूल दिया है बच्चों, ठीक है, उस क्रैश कोर्स के मॉड्यूल को यूज करो, ये मुझे मिल गया किस्मत से, मैंने 2 साल पहले उसको कंपाइल किया था, वो मुझे किस्मत से मिल गया, उसी के क्वेश्चंस कराओ, ठीक है, उसी के क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है, 90% क्वेश्चन उसके अच्छे हैं, ठीक है, तो उसके क्वेश्चन आप लगा सकते हो, उसको यूज कीजिए वो क्रैश कोर्स का मॉड्यूल, ठीक है, एक बार आप उसको देखिए, ठीक है, चलिए, तो बाकी ये टेलीग्राम पे मैंने शेयर किया हुआ क्रैश कोर्स का मॉड्यूल, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, चलो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अभी आपको मिल जाएगा यार पॉडकास्ट वोडकास्ट सब मिल जाएगा, संयम रखो, पेशेंस रखो, एक आदमी दिन में कितना काम करेगा, कल तो धोखा हो गया मेरे पॉडकास्ट के साथ, है ना, चलो मिलते हैं हम लोग, बाय बाय, टेक केयर।